नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल लर्न एंड ग्रो पे। आज हम डिस्कस करेंगे लंकाशायर बॉयलर के बारे में, उसके कौन कौन से कंपोनेंट्स होते हैं और जो लंकाशायर बॉयलर है वो कैसे काम करता है। तो जो लंकाशायर बॉयलर है ये एक फायर ट्यूब बॉयलर होता है। फायर ट्यूब बॉयलर का क्या मतलब है कि जो ट्यूब होती हैं उनके अंदर से हॉट गैसेज जाती हैं और उनके सराउंडिंग में वाटर होता है, तो इसलिए इसको फायर ट्यूब बॉयलर बोला गया है। और ये हॉरिजॉन्टल बॉयलर होता है, इसकी जो शेल है वो हॉरिजॉन्टली प्लेस्ड होती है, इसलिए इसको हॉरिजॉन्टल बॉयलर बोला गया है। इंटरनली फायर होता है, इसके लिए जो फर्नेस होती है वो शेल के अंदर ही बनाई जाती है, तो इसलिए इसको इंटरनली फायर बोला गया है। नेचुरल सर्कुलेशन होता है, नेचुरल सर्कुलेशन मतलब जो हॉट गैसेज हैं वो नेचुरली सर्कुलेट करेंगी बॉयलर के अंदर और स्टीम को प्रोड्यूस करेंगी, इसलिए इसको नेचुरल सर्कुलेशन बॉयलर भी बोला गया है। तो लंकाशायर बॉयलर फायर ट्यूब, हॉरिजॉन्टल, इंटरनल फायर्ड और नेचुरल सर्कुलेशन बॉयलर है। तो इसके देखते हैं कौन कौन से कंपोनेंट्स हैं और ये कैसे काम करते हैं। तो हमने इसके तीन व्यू बनाए हैं। देखिए, ये है फ्रंट व्यू, ये है टॉप व्यू और ये है साइड व्यू, इसको समझने के लिए। तो फ्रंट व्यू से अगर आप देखेंगे तो इसके अंदर होता क्या है, साइड व्यू से अगर आप देखेंगे तो इसके अंदर देखिए एक शेल होती है, सिलेंड्रिकल शेल है। तो ये लगभग 2 मीटर के डायमीटर की होती है, जो इसका डायमीटर होता है वो 2 मीटर का लगभग होता है। ये जो इसकी सरकमफेरेंस है डायमीटर है, तो डायमीटर इसका होता है पूरा 2 मीटर। और जो इसकी लेंथ है, अगर हम इसकी लंबाई की बात करें, जैसे मान लीजिए इस तरह की शेल है ये, इस तरह की, तो जो ये है डायमीटर ये 2 मीटर है और जो इसकी लेंथ है लगभग ये 8 मीटर से 10 मीटर तक हो सकती है। तो 8 मीटर से 10 मीटर इसकी लेंथ हो सकती है और डायमीटर जो है वो 2 मीटर हम लगभग लेते हैं। इसके अंदर देखिए ये 2 ट्यूब्स हैं जिनको हम फायर ट्यूब्स बोलते हैं, ये और ये फायर ट्यूब्स इसको हम बोलते हैं, क्योंकि इसके अंदर जो कोयला है हमारा उसको बर्न किया जाता है, या कहें कि जो फ्यूल है उसको बर्न किया जाता है और उससे हॉट गैसेस पैदा की जाती हैं। तो इसके अंदर यहाँ पे अगर हम इस तरफ से देखें तो ये फायर ट्यूब्स हैं, ये फायर ट्यूब्स हैं जो कि इसके पीछे तक जाती हैं, इस तरह से जाती हैं। तो 2 फायर ट्यूब्स हैं जो 80 सेंटीमीटर से लेके, इनका जो डायमीटर है वो 80 सेंटीमीटर से 100 सेंटीमीटर तक हो सकता है, जो इनका डायमीटर है, और ये पीछे तक शेल में जाती हैं। तो इस तरह से इसका जो कॉम्बिनेशन है बनाया जाता है, इसके अंदर 2 फायर ट्यूब होती हैं, एक बड़ी शेल होती है और 2 फायर ट्यूब्स होती हैं। तो इसका अगर हम ये व्यू देखें कि फ्रंट व्यू है, तो अगर हम इस तरफ से देखें इसको तो हमें एक ही ट्यूब दिखाई देगी, क्योंकि एक के पीछे एक आ जाती है। जैसे कि अगर हम टॉप से देखें तो ये हमें 2 ट्यूब दिखेंगी, लेकिन अगर हम फ्रंट से देखें तो इसके पीछे ये आ जाती है, तो एक ही ट्यूब हमें दिखाई देती है। तो फ्रंट व्यू के अंदर हमने यही दिखाया है कि एक ये ट्यूब है, ये फायर ट्यूब है, ये फायर ट्यूब है, ये जो बीच में है, और यहाँ पे ग्रेट सरफेस है। ग्रेट सरफेस क्या है, जिसके ऊपर फ्यूल को रख के बर्न किया जाता है। तो यहाँ पे जो कोयला है उसको रखा जाएगा और बर्न किया जाएगा। यहाँ पे लगा है फायर बॉक्स, इसको हम फायर बॉक्स भी बोलते हैं, या हम फायर डोर बोल देते हैं, या चार्जिंग डोर बोल देते हैं, जहां से हम क्या करेंगे, यहां से कोयला एंटर करेंगे। तो यहां से कोयला हम अंदर फेंकते हैं, तो इसको हम फायर बॉक्स बोल देते हैं या फायर होल बोल देते हैं, कि फायर होल है कि यहां से वो अंदर हम कोयला डालेंगे। उसके बाद इसकी कुछ माउंटिंग्स हैं जो इसके अंदर हमें चाहिए। वाटर लेवल इंडिकेटर जो कि हमें दिखाएगा कि इसके अंदर जो वाटर की परसेंटेज है या वाटर की क्वांटिटी है वो कितनी है, वो कम तो नहीं है। तो वाटर लेवल इंडिकेटर के थ्रू उसको जान के हम फीड वाटर उसके अंदर करेंगे, फीड पाइप के थ्रू, और उसकी क्वांटिटी को मेंटेन रखेंगे। उसके बाद आता है सेफ्टी वाल्व। सेफ्टी वाल्व का काम क्या है कि अगर हमारा जो बॉयलर क्या है प्रॉपरली वर्किंग नहीं कर रहा, इसके जो वाल्व हैं या इसके अंदर ज्यादा स्टीम बन रही है,
तो सेफ्टी वाल्व के थ्रू उसको बचाया जा सकता है ब्रस्ट होने से। इसी तरह से फ्यूजिबल प्लग का यूज भी किया जाता है। अगर सेफ्टी वाल्व भी हमारा काम करना बंद कर देता है तो उससे क्या है, फ्यूजिबल प्लग जो प्लग है वो क्या है, फ्यूज हो जाता है और सारी स्टीम को बॉयलर से बाहर निकाल देता है। तो इस तरह की माउंटिंग्स इसकी सेफ्टी के लिए यूज की जाती हैं। उसके बाद आता है स्टीम स्टॉप वाल्व। ये जो वाल्व है ये सारी स्टीम को इकट्ठा करता है और उसको आगे ट्रांसफर करता है कहाँ पे, सुपर हीटर पे। ये सुपर हीटर है, ये जो ट्यूब है ये सुपर हीटर की ट्यूब है जो हमने यू शेप के अंदर दिखाई है। तो यहाँ से जो भी स्टीम बनेगी, जो कुछ सैचुरेटेड होगी, उसको हम सुपर हीटर पे भेजेंगे और सुपर हीटर से वो जब पास करेगी तो हमें मिलेगी सुपर हीटेड स्टीम। तो सुपर हीटेड स्टीम हमें मिलती है। उसके बाद यहाँ पे है मैन होल। मैन होल क्या है कि अगर इसका सफाई हमें करनी है तो इससे खोल के इसको साफ किया जा सकता है। उसके बाद आता है सेफ्टी वाल्व, एक और है ये है जिसको हम लो वाटर सेफ्टी वाल्व बोलते हैं। लो वाटर सेफ्टी वाल्व कि अगर इसके अंदर वाटर की जो क्वांटिटी है वो कम हो जाती है तो लो वाटर सेफ्टी वाल्व हमें बताता है, इंडिकेटर्स के थ्रू दिखाता है कि अंदर जो वाटर की क्वांटिटी है वो कम हो चुकी है, हमें इसके अंदर फीड वाटर करना है। तो इस तरह से ये इसकी कुछ माउंटिंग्स होती हैं जो इसकी सेफली वर्किंग के लिए जरूरी होती हैं। उसके बाद यहाँ पे देखिए ये जो इसके आगे लगाया गया है ग्रेट के, इसको हम बोलते हैं फायर ब्रिज। इस फायर ब्रिज का क्या फंक्शन है, जैसे ही यहाँ पे कोयला बर्न होगा तो यहाँ से जो हॉट गैसेस हैं, एक तो ये उनको डिफ्लेक्ट करेगा ऊपर की तरफ और इस ट्यूब से ट्रेवल करवाएगा। दूसरा, जब कोयला के बर्न होने से जो ऐश पार्टिकल निकलते हैं, या हम कहें कि जो बर्न होने के बाद फ्यूल बचता है, वो हॉट गैसेस के साथ आगे फ्लो ना कर जाए, ताकि ये जो ट्यूब है ये जाम ना हो जाए और इसके अंदर ये जमा ना हो जाए, जिससे क्या होगा, हीट ट्रांसफर नहीं होगा वाटर के साथ और क्या होगा, एफिशिएंसी बॉयलर की कम हो जाएगी। इस ट्यूब के सराउंडिंग में जो हमने दिखाया है ये वाटर है जो इस ट्यूब के सराउंडिंग है। तो ट्यूब के अंदर से हॉट गैसेस जाएंगी और इसके सराउंडिंग रहेगा वाटर। यहाँ पे लगा है ब्लो ऑफ कोक, इसको हम बोलते हैं ब्लो ऑफ कोक। ब्लो ऑफ कोक का क्या फंक्शन है, ब्लो ऑफ कोक का फंक्शन है कि इसके अंदर से अगर हमें सफाई करनी है, अगर हमारा बॉयलर मेंटेनेंस हमें करनी है तो इसके अंदर से सफाई करनी है, जो इसके अंदर गंद जमा है या इसके अंदर जो गंदगी है और उसके अंदर जो पानी है उसको साफ करना है, तो ब्लो ऑफ कोक के थ्रू हम उसको बाहर निकालते हैं। एक तरह की टैप है जिसको हम ओपन करते हैं और ब्लो ऑफ कोक के थ्रू इसको बाहर निकाल दिया जाता है। तो ये ब्लो ऑफ कोक है। और यहाँ पे देखिए ब्रिक लाइनिंग की गई है, ये सारी ब्रिक लाइनिंग है। ब्रिक लाइनिंग के अंदर इसको बनाया जाता है, या ब्रिक वर्क हम कहें कि ब्रिक वर्क के अंदर इसको बनाया जाता है, शेल को रखा जाता है कि प्रॉपर इसकी हीटिंग की जाए इसके, इस शेल की। यहाँ पे इकोनोमाइजर लगाया गया है, ये इकोनोमाइजर है जो कि चिमनी के रास्ते में पड़ता है। ये इकोनोमाइजर है जो यहाँ पे दिखाया गया है, ये चिमनी के रास्ते में पड़ता है। जब हॉट गैसेस यहाँ से ट्रेवल करेंगी, यहाँ से आएंगी, तो ये इनके रास्ते में पड़ेगा, इकोनोमाइजर है। ये इकोनोमाइजर क्या काम करेगा, वाटर को गर्म करने का काम करता है। जो हमारा वाटर हम बॉयलर को फीड करना चाहते हैं तो वो इकोनोमाइजर के अंदर से वो गुजारा जाता है, जो ठंडा पानी होता है, और इकोनोमाइजर के थ्रू वो गर्म होके फ्लू गैसेस उसको गर्म करती हैं और इस वाटर को फिर बॉयलर में दे दिया जाता है। तो इस तरह से इसके कंपोनेंट्स वर्क करते हैं। अब देखिए इसकी वर्किंग को, जब यहाँ पे कोयला बर्न होता है तो हॉट गैसेस पैदा होती हैं। ये हॉट गैसेस इस ट्यूब के अंदर फ्लो करती हैं और ये सुपर हीटर से भी गुजरती हैं। तो यहाँ पे सुपर हीटर की ट्यूब है, तो यहाँ पे जैसे ये हीट करेंगी तो जो ये सराउंडिंग में वाटर है वो स्टीम में कन्वर्ट होना स्टार्ट हो जाएगा। तो यहाँ ऊपर शेल में हमें स्टीम मिलेगी, ये स्टीम हमारी स्टीम स्टॉप वाल्व के थ्रू आगे जाती है सुपर हीटर के पास, जहां से ये सुपर हीट होके आगे रिक्वायरमेंट की जगह पे दे दी जाती है। अब ये जो हॉट गैसेस हैं ये ट्रेवल कर रही हैं, ये नीचे आगे से, जब ये आगे से पीछे की तरफ जाएंगी और फिर दोबारा से ये आगे की तरफ जाएंगी, बॉयलर में आगे की तरफ जाएंगी। तो इससे क्या होगा, अगर हम इसके साइड व्यू में देखें तो इससे वो उस तरफ अंदर गई हैं और यहाँ से बाहर आएंगी। इस तरह से ये बॉटम फ्ल्यू में, ये बॉटम फ्ल्यू है, ये बॉटम फ्ल्यू इसको हम बोल देते हैं, इसी तरह से ये बॉटम फ्ल्यू है। तो यहाँ पे ट्रेवल करके बाहर आएंगी, तो जैसे ही बाहर आएंगी
तो इनको दो हिस्सों में डिवाइड कर दिया जाएगा यहाँ पे यहाँ पे। ये इसका टॉप व्यू है। तो यहाँ पे अगर दो हिस्सों की बात करें साइड व्यू में, तो ये है, एक इस तरफ जाएगी और एक इस तरफ जाएगी। तो दो हिस्सों में बॉटम फ्यूज से आई और साइड फ्यूज के अंदर चली गई, बॉटम फ्ल्यूज से आई और साइड फ्ल्यूज के अंदर चली गई। तो ये साइड फ्ल्यूज हैं। तो साइड फ्ल्यू के अंदर जब ये फ्लो करेंगी इस तरह से, तो अब देखिए यहाँ पे बॉटम से भी इस शेल को हीट मिलेगी। जब ये नीचे से गुजरेगी तो ये सारी परत जो है बॉयलर शेल की गर्म होगी, जिससे हीट ट्रांसफर बढ़ेगा, अच्छी एफिशिएंसी आएगी। और जैसे ही ये दो हिस्सों में यहाँ पे बंटेगी तो साइडों से भी इसको हीट ट्रांसफर मिलेगा। देखिए ये जो साइड है इनको भी हीट ट्रांसफर मिलेगा और अच्छा जो हीटिंग हमें सरफेस मिलेगा और वाटर की स्टीम अच्छी एफिशिएंसी पे बनेगी। तो आगे देखिए जब ये आगे जाती है तो यहाँ पे लगे हैं डैम्पर, ये भी डैम्पर है और ये भी डैम्पर है, जो कि चेन ऑपरेटेड होते हैं। इनको हम ओपन और क्लोज कर सकते हैं अकॉर्डिंग टू रिक्वायरमेंट। जैसे कि हमें हॉट गैसेस कितनी देर तक इसके अंदर रोकनी है, तो हम डैम्पर के थ्रू इनकी हेल्प कर सकते हैं कि कितनी देर तक हमें इसको रोकना है और कब इनको जाने देना है। तो ये हॉट गैसेस जब तक हमें रोकनी है तो रोकेंगे, उसके बाद डैम्पर को ओपन कर देंगे और ये जो हॉट गैसेस है ये इकोनोमाइजर के ऊपर से ट्रेवल करके बाहर चिमनी के थ्रू बाहर चली जाएंगी। तो इस तरह से लंकाशायर बॉयलर है और उसके जो कंपोनेंट्स हैं वो काम करते हैं। तो यहाँ पे भी देखिए हम साइड व्यू में दिखा सकते हैं कि जो वाटर है यहाँ पे स्टीम में कन्वर्ट होगा, इस तरह से कन्वर्ट होगा। और इसको हम स्टीम स्टॉप वाल्व से सुपर हीटर को देके उसकी रिक्वायरमेंट की जगह पे उसको पहुंचा देते हैं। तो ये था लंकाशायर बॉयलर। थैंक यू वीडियो देखने के लिए। और ज्यादा अपडेटेड वीडियोज के लिए आप हमारे चैनल लर्न एंड ग्रो पे हमें सब्सक्राइब कर सकते हैं। थैंक यू।